है, ना शिव है, ना विष्णु है, ना ब्रह्मा है, कोई है, आप उनकी लेवल पे खड़े हो पाएंगे। फिर आप जहां चाहें वहां जन्म ले सकेंगे, अगर चाहेंगे तो जन्म ले सकेंगे, जिस गर्भ में चाहें उस गर्भ में जन्म ले सकेंगे, और जिस ब्रह्मांड में जिस लोक में जाना चाहें वहां जा सकेंगे। और अगर एक भेड़ अणु से पूरी भेड़ बना सकता है तो आपके तो लाखों अणु है शरीर में, उन लाखों अणुओं में से कुछ भी एक अणु बम पूरे हिरोशिमा नागासाकी समाप्त कर सकते, उन अणु में परिवर्तित करने की क्रिया ग्रहण काल में हो सकती है। क्योंकि अगर मेरे अणुओं को प्रवृत्त किया गया तो 3 साल तक इंतजार करना पड़ा, उससे पहले वो दीक्षा नहीं हो पाएगी। वह क्षण आएगा तब पूरा शरीर आलोड़ित होगा, विलोड़ित होगा, पूरे शरीर में भूकंप आएगा, एक भूचाल सा आएगा, जैसे मैंने अभी उदाहरण देकर समझाया कि पूरे देश में इसमें भूकंप भूचाल इस महीने भर रहा। आपने वोट डालने गए होंगे, देखा होगा बूथ कैप्चरिंग हो रहे हैं, गोलियां चल रही हैं, बम फट रहे हैं, दिल्ली में 21-22 बम फट गए, कोयम्बटूर में मतलब इतने लोग मर गए, आप देखें हर जगह मतलब आदमी अनसेफ सा हो गया। एक महीने भर इतना क्या हो गया, पूरा देश बदल गया, पूरे नेता बदल गए, पूरी स्थिति बदल गई, पूरी सिचुएशन बदल गई, आपका पूरा जीवन बदल गया। अब ये रचनात्मक भी हो सकता है और ये 2 दिन में हो सकता है, पर मनुष्य शरीर से नहीं हो सकता। ये सबसे पहले आपके अणुओं को परिवर्तित करने की जरूरत है। अब उसके 2 तरीके हैं, या तो साधना के माध्यम से या दीक्षा के माध्यम से। तरीके तो 2 ही है। पूरा ब्रह्मांड मुझमें समाये हुआ देख लेते हो तब उसको ज्ञान हुआ दू, तो या तो मैं आपको प्रयोग कराऊं या मैं आपको दीक्षा दूं, पर समय मेरे पास 1.5 दिन है सिर्फ, और काम है बहुत ज्यादा। अब मैं आपको दूं, आप मंत्र करेंगे, करेंगे तो शरीर से करेंगे, कभी करेंगे कभी नहीं करेंगे, कभी आप खाना खा के करेंगे, कभी आलस्य में नहीं करेंगे, कभी ट्रेन में होंगे, कभी बस में सफर में होंगे, आप नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे तो मेरी मेहनत बेकार हो जाएगी, आप भी कहेंगे कि वही कुछ नहीं। मैं दोनों स्थितियों को टालना चाहता हूं, दोनों स्थितियों को टालने के लिए उससे अच्छा ज्यादा प्रयोगी ब्रह्मांड रूप दिखाना या उससे ज्यादा अच्छा प्रयोगी दीक्षा देना। ये प्रयोग के माध्यम से भी हो सकता है, पूर्ण अणु परिवर्तित देवत्व सिद्धि, पूर्ण अणु परिवर्तित देवत्व सिद्धि, और ये दीक्षा के माध्यम से ही हो सकता है। दीक्षा देना गुरु के लिए कठिन है क्योंकि उसको अपने शरीर का अंश देना पड़ता है, पुत्र पैदा करना बहुत कठिन है क्योंकि पूरे मां का शरीर का खून निचोड़ करके पी लेता है, अणु अंदर जो शरीर है उसका रस वो सब पी लेता है, वो तब 9 महीने बाद पैदा होता है। जो कुछ खाती है मां उसका रस पूरा बच्चे के पेट में ही जाता है। मां के शरीर में ताकत धीरे धीरे अशक्त होती रहती है, कमजोर होती रहती है, उठ नहीं पाती है, चल नहीं पाती है, सीढ़ियां चढ़ नहीं पाती है, क्या हो गया उसको, क्यों उसका सारा रस तो वो बच्चा ले लेता है, और यदि मैं दीक्षा दूंगा तो मेरा सारा शत्रु तो आप लेंगे। इसलिए कोई गुरु दीक्षा नकली गुरु की तो बात अलग है इसमें, और नकली गुरु भी हमारे तो शास्त्रों में कहा है कि तुलसीदास जी ने कहा है कि गणपति की स्तुति सबसे पहले की जाती है कि गणपति मेरा विघ्न विनाश करें, विघ्न नहीं, तुलसीदास जी ने गणपति की स्तुति की ही नहीं। नाम से मानस वंदों खलदल प्रथम हूं चरणा, जो मूर्ख और दुष्ट हैं उनके चरणों को सबसे पहले प्रणाम करता हूँ, तो दंगे लिखा है। दुष्ट लोग हैं जो मुझे परेशान करते हैं, पहले उनके चरणों को सूखे प्रणाम करता हूँ, क्योंकि वो ही सारे हेडक करेंगे चित्रकूट में क्यों बैठे हो, सारा तुम पत्नी को क्यों छोड़ दिया, क्या करोगे, पहले उनको हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ। तो पहले आपके जो मति है भ्रष्ट मति उनको मैं प्रणाम करता हूँ कि वो मति आपकी सुधरे, ठीक हो, मनुष्य बने, फिर मैं आपको देवत्व की ओर स्थापित कर सकूं, स्थापित कर सकूं तो आगे की सारी क्रियाएं दीक्षा के माध्यम से हो पाएगी। प्रयोग आप कहेंगे घर जाकर करो, कर नहीं पाओ, ग्रहण खत्म हो जाएगा, फिर मेरा परिश्रम भी बेकार जाएगा। इसलिए मैं 2 घंटे बाद आऊंगा, यहां तो लिखा हुआ प्रयोग है, आप देख लीजिए प्रयोग। मैं 1 घंटे बाद चिंतन करता रहा क्या ये करूं, प्रयोग करवाऊं, फिर आखिर मन में आया कि ये तो केवल इनको बहलाने की चीज हो जाएगी, और अगर ग्रहण काल में बहकाऊंगा या बहलाऊंगा तो इनको तो पता नहीं पड़ेगा, मगर मैं अपने आप में गिल्टी कॉन्शियस हो जाऊंगा क्योंकि ये कर नहीं पाएंगे मंत्र का।
सौ बाधाएं सौ अड़चने इनके जीने आएंगी, इसलिए सीधा दीक्षा के माध्यम से ही काम हो, इसलिए ये पूर्ण अणु परिवर्तित देवत्व सिद्धि प्रयोग या दीक्षा वह हमें दो घंटे बाद इसमें बज रहे हैं आपके डाई, और आज रात को 2:30 बजे तक काम करेंगे अपन। जब सुन अभी 2:30 बजे तक करेंगे काम, छोड़ूंगा मैं आपको नहीं, एक मिनट भी छोड़ूंगा नहीं। इस देवता बनने से पहले जितनी चाय के प्याले पीने हो पी लेने के साथ, 1, 2, 4, 6 जितना जो कुछ करना हो कर लेना, इसलिए बाद में मेरी इच्छा होगी तो पीने दूंगा नहीं दूंगा, जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी, ठीक मैं 4:30 बजे आऊँगा और ये दीक्षा आपको दूंगा। और ये दीक्षा मेरी व्यक्तिगत राय में तो आप सबके लिए उतनी महत्वपूर्ण है जितनी मेरे लिए महत्वपूर्ण थी। मैंने 3 साल तक इंतजार किया था, आप केवल 2 घंटे इंतजार करना है, इसलिए आपको वहाँ से जो सामग्री मिले वो लेकर के वापस अपने स्थान पर बैठ जाएं और दीक्षा के माध्यम से मैं अणु परिवर्तित देवत्व दीक्षा दूंगा, जो कि आपके जीवन का इस पहले दिन का ग्रहण काल में एक मेरे तरफ से अद्वितीय भेंट होगी। और मेरा मन इस बात को एहसास करता गया कि मैंने बहुत कुछ आपको प्रदान किया और आपने बहुत कुछ ग्रहण किया, ऐसा ही मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ। और आप पूज्य गुरुदेव की, पूज्य गुरुदेव श्री माता जी की, पूज्य गुरुदेव की, पूज्य गुरुदेव की, पूज्य गुरुदेव की, पूज्य गुरुदेव की, हरी माता गुरुदेव की, हरी छोड़ गुरुदेव की, हरी छोड़ गुरुदेव की, हरी छोड़ गुरुदेव की, पूज्य गुरुदेव की, पूज्य गुरुदेव की, पूज्य गुरुदेव माता जी की, मेरे सामने जन कृष्ण करे तेरे
ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम रीम मम प्राण देह रोम प्रतिरोम चैतन्य जाग्रय रीम ओम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवि तुर वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।